राजधानी शिमला के बहुचर्चित टाउन हॉल मामले में प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद टाउन हॉल की एक मंजिल पर शिमला नगर निगम महापौर और उप महापौर कार्यालय स्थापित करने के अलावा भवन की बाकी दो मंजिलों पर पर्यटकों के आकर्षण के लिए व्यावसायिक परिसर व म्यूजियम स्थापित करने पर प्रदेश सरकार विचार कर रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को टाउन हॉल का अवलोकन करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए ये जानकारी दी। रविवार को शिमला नगर निगम के पार्षदों का एक प्रतिनिधिमंडल महापौर कुसुम सदरेट की अगुवाई में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिला। इस दौरान शिमला के रिज मैदान पर स्थित टाउन हॉल भवन के जीर्णोद्धार के उपरांत नगर निगम शिमला को प्रदान करने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताया। प्रतिनिधिमंडल ने टाउन हॉल का जनहित में उचित उपयोग करने के लिए विभिन्न सुझाव दिए और टाउन हॉल भवन में काउंसलर्स रूम और बैठक हॉल की मांग की। बाद में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने टाउन हॉल के हर कमरे का अवलोकन किया और पार्षदों के साथ टाउन हॉल के उचित उपयोग के बारे में विचार विमर्श किया, ताकि इसे पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाने के साथ साथ निगम के लिए राजस्व के रूप में भी विकसित किया जा सके। सर, नगर निगम के सपोर्ट किया गया है, किस तरह से इसको देखते हैं और इसको और प्रमोट कैसे किया जा सकता है? टूरिज्म के लिहाज से भी इसको प्रमोट किया जा सकता है, तो क्या इसको लेकर सरकार ने सोचा? अभी हाल ही में ये निर्णय जो है हमारे न्यायालय से आया है कि मेयर डेप्टी मेयर का ऑफिस जो है इसी भवन में रहेगा जहाँ पहले हुआ करता था। तो हमारे पास अच्छा ये स्थान है, स्पेस भी अच्छा है और इसमें तीन फ्लोर है और उसमें एक फ्लोर में मेयर डेप्टी मेयर और उसके साथ और चीज़ें क्या हो सकती है, उन सारी चीज़ों को लेकर के जो है कॉरपोरेशन का हमारा ऑफिस जो यहाँ पर काम करेगा और यहाँ कॉरपोरेशन का जो हमारा हाउस कंडक्ट किया जाता है वो उसकी प्रोसीडिंग भी यहीं पर होगी एक ही फ्लोर में। और रहा जहाँ तक बात रहती है ग्राउंड फ्लोर की बात और हमारा जो ऊपर एटिक है, इन दो फ्लोर की बात रहती है, उस पर हम विचार कर रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर पर तो हम ये भी सोच रहे हैं कि एक बहुत बड़ी हमारे पास गुंजाइश है एक कमर्शियल जो है एक्टिविटी के लिए, जिससे जो है आय का एक साधन बन जाएगा हमारे कॉरपोरेशन के लिए भी और उसके साथ साथ में क्योंकि माल रोड और हमारा ये रिज जो है एक बहुत बड़ा एक अट्रैक्शन है टूरिस्ट के लिए, देश दुनिया के लिए, और इसलिए उन लोगों को बैठने उठने के लिए एक सारी चीज़ को लेकर के कैसे किया जा सकता है, इस सारी चीज़ को लेकर के आज हम थोड़ा एक कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ से जा रहे हैं। और जहाँ तक एटिक की बात है, एटिक में भी हम सोच रहे हैं कि इसका यूटिलाइजेशन भी इसका सारा म्यूजियम के रूप में कर सकते हैं या किस रूप में कर सकते हैं वो, क्योंकि दो अच्छे बड़े हॉल हैं हमारे पास। हाँ, लेकिन उसमें थोड़ी सी एक दिक्कत ज़रूर आ रही है कि एंट्री हमारे पास जो है उसमें बहुत कंजस्टेड है, उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अगर लिफ्ट का प्रोविज़न इसमें हम करने की स्थिति में हो पाएंगे, अगर एनजीटी की ओर से हमको परमिशन इसकी मिल जाएगी तो लिफ्ट के माध्यम से जो है जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो भी आ सकते हैं, बच्चे भी जा सकते हैं, तो एक सुविधा और हमारे पास यहाँ पर बनने की गुंजाइश बनेगी। तो कुल मिलाकर के काफ़ी लंबे समय के बाद ये सारा हमारा टाउन हॉल बन करके तैयार हुआ है। तैयार होने के साथ साथ में जो एक इसकी ये किस तरह से चलेगा, कौन बैठेगा, इस सारी चीज़ को लेकर के कोर्ट ने लगभग अपना निर्णय दे दिया है। टाउन हॉल के अपने दौरे के दौरान जयराम ठाकुर ने शिमला के रिज मैदान पर धस रहे स्थल का भी निरीक्षण किया और शीघ्र ही इसके सुधार के लिए निर्देश दिए। इस मौके पर नगर निगम शिमला की महापौर कुसुम सदरेट, उप महापौर राकेश शर्मा, मुख्य सचिव डॉक्टर श्रीकांत बाल्दी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय कुंडू और नगर निगम शिमला के पार्षद व आयुक्त पंकज राय भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल शिमला।